बहुत पहले तो पाकिस्तानी आवाम को मुबारक लोगों के इनकलाब के लिए, इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह लॉन्ग मार्च में लोग शिरकत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि लोगों में शऊर आ चुका है और ये शऊर देने वाले इमरान खान हैं, तो लोग उनको लब्बैक कहना बिल्कुल जायज़ हो गया उनकी तरफ से क्योंकि उन्होंने लोगों को शऊर दिया। बच्चा बच्चा आप देखेंगे पूरी पूरी फैमिलीज बच्चों के साथ गए हैं वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के लिए, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मैं कहती हूँ खुशी की बात है कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि अब हम आज़ादी ले कर रहेंगे और लोगों का जो जोशो खरोश है आया वो लाहौर में देख लें और जिन जिन शहरों से काफ़िले रवाना हो रहे हैं उनके जोशो खरोश देख लें, तो बहुत ज़्यादा दीदनी है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह अब हम इंशाल्लाह आज़ादी ले कर रहेंगे और अब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मैं आज़ादी लेने से। आप ना करें तो क्यों होगा, हमारे तो जितने भी माशाल्लाह से प्रोटेस्ट हुए हैं, लॉन्ग मार्च हुए हैं या धरने हुए हैं सारे पूरा मन थे अल्हम्दुलिल्लाह, कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा, यहाँ तक कि 2014 में जो हमने कराची बन गया था, पाकिस्तान बन गया था, मैं खुद उसमें शामिल थी और बहुत ही पूरा मन था, किसी को एक खरोच तक नहीं आई थी, अगर आई है तो बता दें। तो जो कुछ करते हैं वो आप करते हैं, हम नहीं करते, हमें पूरा मन एहतजाज करने दें, जो हमारा आईनी हक है तो कोई खून खराबा नहीं होगा। हाँ आप इंसानों की तरह चले तो हमसे कोई इतराज़ात नहीं होंगे आपको। मुझे तो अल्लाह की कसम हंसी आ रही है पहले तो, क्योंकि जिसने खान के साथ धोखा किया मुंह की खाई है, अपनी सियासत ख़त्म की है आया वो, आप जितने भी देख लें रेहाम है, जावेद हाशमी है और गुलाई है, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने खान के को पीठ दिखाई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुंह की खाई है। तो फैसल वाउडा आप भी इंतज़ाम कर लो क्योंकि आपकी भी कोई जगह नहीं बचने वाली, और आप इनको और आप ना ये देख लें कि जो पीटीवी खान साहब को नहीं दिखाता, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के कायदे लीडर हैं उनके चेयरमैन हैं, तो एक फैसल वाउडा जिनको कौन जानता है, जो इसकी पहचान खुद एक इमरान खान था, जिसकी पहचान खुद पीटीआई थी, उसको दिखा रहा है, तो इससे समझ जाना चाहिए कि ये किसका मोहरा है और इसको कौन यूज़ कर रहा है। आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आप लाख खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर लो, इंशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम समझ गई है कि इसके पीछे कौन है और क्या करना चाह रहे हैं, और दो दिन से माशाल्लाह आवाम ज़्यादा ही कुछ समझ गई है कि कौन क्या कर रहा है और सारे फेस खुल के सामने आ रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र इस पर, तो मैं कहूँगी मगरिब का टाइम अल्लाह करे सारे गंदे अंडे जाएँ, हमारी पार्टी पाक हो, साफ़ हो और खान के साथ जो मुखलिस लोग हैं ना वही खड़े नजर आए, ऐसे जो पैरा शूटर हैं और आते हैं और खान को धोखा देके जाते हैं ना उनकी जगह ही नहीं है हमारी पार्टी में। और मैं यही कहूंगी अल्लाह का वास्ता जिन्होंने निकलना है जल्दी जल्दी निकलो ताकि दूसरों को आगे आने का मौका मिले। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों तो नहीं कह सकती, मेरी बहनों, मेरी माओ, मैं यही कहूँगी कि निकलो आप अपने घरों से क्योंकि अब नहीं तो कब। मैं भी हूँ, कल को मेरी भी नस्ल होगी तो मैं अपनी नस्ल को क्या सिखाऊँगी, क्या समझाऊँगी कि ये मुल्क किस तरह था और क्या सारी ज़िंदगी हम इन्हीं के ग़ुलाम रहेंगे, तो हमें ग़ुलामी नहीं चाहिए। आप निकलो अपनी नस्ल के लिए, आज थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लोगे ना आपकी नस्लें पुरसकून रहेंगी। तो इस लॉन्ग मार्च का, इस एहतजाज का, जो नहीं जा सकता सोशल मीडिया पे सपोर्ट करे, जो सोशल मीडिया पे नहीं कर सकता अपने इलाकों में सपोर्ट करे, लेकिन अपना हिस्सा डाले, कल को आपकी आने वाली नस्लें याद करेंगी कि आपने आज़ादी में जद्दोजहद की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फ़ख्र से कहेंगे कि हम इस आज़ादी की जंग में खान साहब के साथ थे।